सो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल बॉय गेमिंग। सो गाइस, आगे वीडियो देखने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा के ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, जैसा कि यहाँ पर प्रोजेक्ट की वो आ चुका है गाइस, अल्फ़ा यानी अल्फ़ा टेस्टिंग आया है। अभी ग्लोबली लॉन्च नहीं हुआ है, तो मेरे हिसाब से जब ये ग्लोबली लॉन्च होगा तो आपको प्ले स्टोर पर देखने को मिल जाएगा। अब ये आपको टैप टैप पे देखने को मिलेगा, आप लोग वहाँ पे इसको रजिस्टर कर सकते हो। तो जिन लोगों को टैप टैप नहीं पता मैं बता दूँ, तो प्ले स्टोर की तरह वैसे ही टैप टैप भी होता है एक एप्लीकेशन, ठीक है। तो प्ले स्टोर की तरह होता है लेकिन वो प्ले स्टोर पे नहीं मिलेगा, आपको गूगल से डाउनलोड करना पड़ेगा तो उसमें मिल जाएगा। तो देखो, कुछ सेलेक्टेड लोग ही खेल सकते हैं। तो यहाँ पे हमको मिला है एक्टिवेशन कोड, जो लोग जो लोग को मिला था अल्फ़ा टेस्टिंग के लिए सेलेक्ट हुए नहीं लोग, तो मैं तो सेलेक्ट नहीं हुआ था लेकिन कहीं से बातचीत करके मुझे मिल गया, तो मुझे एक्टिवेशन कोड डालना था तो यहाँ पर मैंने डाल दिया एक्टिवेशन कोड, तो फिर आ गया हूँ। तो यहाँ पर करेक्टर बना लेंगे हम लोग, इसके बाद खेलेंगे गाइस, देखते हैं गेम कैसा है गाइस यहाँ पे। तो क्या बताऊँ, थोड़ा लेट वीडियो आ रही है, क्या ही बताऊँ। तो मेरा चालू नहीं हो पा रहा था क्योंकि मुझे एक्टिवेशन कोड तो मिल गया था लेकिन वो एक्टिवेशन कोड डालने का कहीं आ नहीं रहा था। तो मेरा फिर मैंने काफ़ी ट्राई किया, इधर उधर कुछ किया, तब जाके एक्टिवेशन कोड डालने का आया, तब मैंने कोड डाला तो यहाँ पे गेम चालू हुआ। तो अभी आप लोग गेम चालू हो गया, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, तो अभी कोई भी फीचर अवेलेबल नहीं, कुछ भी, ये सिर्फ एक चीज़ काम करता है। देख सकते हो, चैट भी आप लोग नहीं कर सकते, कुछ भी, बस सेटिंग कर सकते हो और थोड़ा मेरे हिसाब से यहाँ पे गेम स्टार्ट कर सकते हो, बस देख सकते हो, बस यही हो सकता है। सर्वर भी नहीं चेंज कर सकते, अभी एक ही सर्वर पर तो टेस्टिंग चल रही है गेम की। तो अब ये अल्फ़ा टेस्टिंग है, इसके बाद जब बीटा टेस्टिंग आएगी तब सभी लोग को मिल जाएगा। तो आप लोग टैप टैप डाउनलोड कर लो और रजिस्टर करके रख लो, तो टैप टैप पर आएगा तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा इस गेम का। तो अभी आप लोग देख सकते हो गेम काफ़ी ठीक ठाक है, ग्राफिक्स भी अच्छे है, देख सकते हो मुक्का भी मार रहा है, क्या ही अच्छा है, और भागने में भी सही है। तो गेम काफ़ी अच्छा है गाइस यहाँ पे। तो अनरियल इंजन 5 पर मुझे पता नहीं क्या होता, लेकिन मतलब ये अनरियल इंजन 5 पे ऐसा पहला गेम है जो मोबाइल के लिए बन रहा है, तो कुछ ऐसा है। तो देखते हैं गेम कैसा है, तो कुछ ऐसा है तो देखते हैं गेम कैसा है। तो यहाँ पर देख सकते हो, तो यह है कॉटन यानी वही क्लॉथ है। तो गेम तो ठीक ठाक लग रहा है, देख सकते हो आप लोग, ग्राफिक भी अच्छी है। तो अभी क्या क्या है मुझे कुछ भी नहीं पता, देख सकते हो, तो ये तो मेरा बैकपैक है, मैं फालतू का चेक कर रहा था यहाँ पे, तो कुछ भी नहीं है बैकपैक में मेरे भी। तो अभी मैंने जस्ट ज्वाइन हुआ सर्वर, तो यहाँ पर अभी रात का बज रहा है, 10:30 11 बज रहा होगा जब मैंने गेम खेला था, मतलब उस टाइम। तो यहाँ पर देख सकते हो, तो अटैकिंग का गेस्चर भी काफ़ी अच्छा है, दो, एक आपको पिकैक्स मिलती है और एक स्टोन एक्स आपको मिलती है, तो सिर्फ ये एक ही बार मिलती है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आप लोग एक बार किल हो जाओगे तो मुझे तो नहीं मिलती है, किल होने के बाद नहीं मिली है। और ये देख सकते हो, ये है आयरन माइन, कुछ ऐसी दिखती है। तो एकदम लगभग सेम लास्ट की तरह है गेम, लगभग सिमिलर है, और थोड़ा थोड़ा आर्क सर्वाइवल जैसा मिलता है, जुलता है जिन लोगों ने आर्क सर्वाइवल खेला है। तो गेम काफ़ी अच्छा है गाइस यहाँ पे। तो जिन लोगों को नहीं पता है कहाँ पे, तो आप लोग प्ले स्टोर देख लो, और यहाँ पे रैंकिंग भी अभी आप लोग देख सकते हो। तो ये रैंकिंग उन लोगों के लिए, इसमें गेम जैसे पॉइंट मेडल मिलते हैं ना हमारे लास्ट आइलैंड ऑफ सर्वाइवल में पॉइंट मेडल, वैसे इसमें मिलते हैं गाइस एम्बर्स। तो एम्बर्स जो होते हैं वो भी टीसी में डालने होते हैं, इसका टीसी कुछ अलग है, तो आप लोग आगे वीडियो देखोगे आपको पता चल जाएगा। तो उस टीसी में इसके एम्बर डालने होते हैं, तो जितने एम्बर जिसके पास उस हिसाब से रैंकिंग होती है इस गेम की, ठीक है। तो अभी तो यहाँ पे देख सकते हो, माइक भी इसमें आसपास से आप लोग बात भी कर सकते हो, माइक है। तो अभी इसमें बंदे काफ़ी कम है, मेरे हिसाब से 2000 लोगों को कितना मिलने वाला था और मुझे भी नहीं मिला था, लेकिन मैंने बात किया है, मतलब डिस्कॉर्ड पे इनका डिस्कॉर्ड सर्वर भी है, जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया ज्वाइन कर सकते हो। फेसबुक पर भी मिल जाएगा आप लोग को इनका ऑफिशियल पेज, वहाँ पर भी डिस्कॉर्ड मिल जाएगा, अगर आप लोग टैप टैप डाउनलोड कर ले तो वहाँ पर भी आप लोग को इनका डिस्कॉर्ड सर्वर मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाकर ज्वाइन हो सकते हो इनका डिस्कॉर्ड सर्वर। वहाँ पर सारी अनाउंसमेंट आपको पता चल जाएगा गेम के बारे में, क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो गेम देखो ठीक ठाक है, अभी मैंने सेटिंग नहीं किया, देखिए 2 फिंगर वाली सेटिंग है, तो अभी 4 फिंगर वाली सेटिंग करना था, तो यहाँ मैंने 4 फिंगर वाली सेटिंग कर दी। और यह दूसरा दिन यानी जिस दिन आप लोग शायद वीडियो देखोगे उस दिन का है, तो आप लोग देख सकते हो, तो इसमें भी हैं ब्लू ऑयल ड्रम, येलो ऑयल ड्रम। तो ये ब्लू ऑयल ड्रम और येलो ऑयल ड्रम आप लोग मैचेटी से भी तोड़ सकते हो, वुडन क्लब से भी तोड़ सकते हो, और ये पिकैक्स से यानी एक्स या पिकैक्स से भी तोड़ सकते हो। तो आप एग्स जो है वुड करने, वुड फार्म करने के लिए, और पिकैक्स जो है वो ओर्स फार्मिंग करने के लिए। तो इसमें जो है स्पेयर जो है वो स्पेयर्स नहीं, इसमें जो स्पेयर्स का नाम है वो स्क्रैप, थोड़ा मोड़ा ऑक्साइड सर्वाइवल आइलैंड जैसा भी मिलता है, जिन लोगों ने देखी एक ही वीडियो डाली वैसे ऑक्साइड की मैंने, तो लेकिन क्या ही बताऊँ, तो उससे भी थोड़ा मोड़ा मिलता जुलता है। तो अभी देखो वीडियो डालने के लिए कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा, तो मैं कैसे भी करके वीडियो डालूंगा यहाँ, तो वॉइस ओवर दे दे रहा हूँ मैं भी। तो और आप लोग देख सकते हो, क्योंकि इसका गाइड जो जहाँ मेरा अटैकिंग है उसके ऊपर है, तो बार बार गाइड खुल जा रहा है यहाँ पे। तो गेम काफ़ी अच्छा वाकई में, बहुत बताऊँ, मुझे शुरुआत तो मज़ा नहीं आ रहा था, बोरिंग लग रहा था, लेकिन बाद में जब मैं खेलने लगा ना तो गेम बहुत अच्छा है। और बोरिंग क्यों लग रहा था मैं बताऊँगा आपको आगे, खुद ही पता चलेगा, नहीं तो इस वीडियो में नहीं तो अगली वीडियो में इसका आएगा वीडियो, तो आपको पता चल जाएगा। तो अब इसकी टेस्टिंग चल रही है गाइस, तो ये दरअसल हम लोग खेले सिर्फ टेस्टिंग के लिए, मतलब कोई बग होता है कुछ भी होता है तो हम लोग रिपोर्ट कर सकते हैं उसको। और ये देख सकते हो, ये जो कॉग व्हील है ना, एक तरह से मशीन गियर, और ये जो स्क्रैप है ये तो स्पेयर है। तो मशीन गियर जिन लोगों को पता होगा, जो लोग लास्ट आइलैंड ऑफ सर्वाइवल खेलते हैं उनको पता होगा मशीन गियर क्या होता है, तो वही ये कॉग व्हील इसमें मशीन गियर है। आयरन प्लेट का भी नाम कुछ करके रिपेयर प्लेट है इसमें, तो ऐसे ही कुछ है, सब कुछ सेम में मिलता जुलता गेम है, सर्वाइवल गेम है तो मिलता ही जुलता रहेगा, थोड़ा मोड़ा आर्क और ऑक्साइड में मिलता है। तो आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर भी रेसिपी अनलॉक करना पड़ेगा हमें, और इसमें भी वर्क ब्रेंच है और
इसमें वर्बेंस से भी रेस भी निकलती है, थोड़ा अच्छे तरीके से निकलती, थोड़ा मोड़ा ऑक्साइड की जैसा है। और इसमें देख सकते हो क्या क्या चीज़ें पता नहीं क्या क्या है, तो सब चीज़ अनलॉक करना होगा हमें वर्बेंस से या फिर स्केचिंग टेबल कुछ होती उससे, यानी ड्राफ्टिंग टेबल एक तरफ से आप लोग समझ लो उसको, जो लोग लाइफ एलेवन और सर्वाइवल खेलते हैं तो ड्राफ्टिंग टेबल है वो एक तरह से, इसमें स्केचिंग टेबल है। तो ड्राफ्टिंग टेबल में कोई भी आपको मटेरियल चाहिए हो तो बस डाल दो, बस इसमें भी स्केचिंग टेबल में कोई मटेरियल चाहिए आप लोग उसको मतलब स्केचिंग टेबल में डालो और स्पेयर्स दे दो, रेस भी मिल जाएगी आपको। और ये देख सकते हो इसमें एक चीज़ अच्छा है, अगर आपको एमओचेस से कहाँ से मिलता है अगर आप क्लिक करोगे तो मार्क भी दे देता है एमओचेस का, तो वहाँ पे चल के लोग देखते हैं। और इसमें भी गाइस पेसमेकर होता है, पेसमेकर का नाम कुछ एडीएस करके, क्या नाम है सर, एडीएस की एड्स नाम है, सॉरी मतलब कुछ ऐसे नाम है पेसमेकर का इसमें, तो वो भी पता नहीं कहाँ से मिलता मुझे नहीं पता, और एम्बर भी कहाँ से मिलता मुझे नहीं पता, तो सब कुछ धीरे धीरे पता चल जाएगा। और जब तक टेस्टिंग चल रही है, देखो सर 7 दिन तक टेस्टिंग चलने वाली है, पता नहीं कब तक चलेगी मुझे कुछ भी नहीं पता है, बस कहीं से मिल गया भाई हमको भी। और गाइस सबसे बढ़िया चीज़ इसका ये देख सकते हो, यहाँ पे मुझे मिलता है यहाँ पे गाइस घोड़ा, तो घोड़ा दौड़ाते हैं हम लोग यहाँ पे, और घोड़ा काफ़ी अच्छा है गाइस। और ये ना मतलब जैसे मैंने पढ़ा था इसका जो गाइड लिखा था उस पर लिखा था घोड़ा जो दौड़ा सकता है आप लोग कहीं पर मिल जाएगा, ये एक तरह से मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जो बिल्कुल भी फ्री, आपको जगह जगह पे आपको ये घोड़ा दौड़ाने को मिल जाएगा जहाँ पे घोड़ा दौड़ा सकते हो। तो देख सकते हो घोड़े के भी हेल्थ होती है एक तरह से, एक भी एक जानवर है, तो इसको भी अगर आप लोग किल करोगे ना तो उसको किल करने का आपको हाइड मिल जाएगा और ये मिलेगा। मैंने किल किया नहीं लेकिन इसके भी हेल्थ होती है कम होती है, अगर आप लोग इसको मारोगे ना तो इसकी हेल्थ कम होगी, इसकी हेल्थ दिखती है तो एक तरह से भी मरता है। और ये देख सकते हो ये है जॉम्बी, तो इसमें जॉम्बी कई तरह के हैं भाई, बहुत तगड़े तगड़े भी जॉम्बी हैं, मैंने खेला है मतलब गेम भाई उतना डिफिकल्ट, मुझे शुरुआत में बहुत डिफिकल्ट लग रहा था जॉम्बी को मारने, लेकिन बाद में क्या हुआ खुद ही आपको पता चलेगा, आप लोग वीडियो आगे देखते रहो कैसा है सब कुछ आपको पता चल जाएगा गेम का, अगर मेरा आप लोग देखोगे रेगुलर वीडियोज़। तो मैं वैसे रेगुलर वीडियोज़ लाता नहीं हूँ लेकिन कोशिश करता हूँ मैं लाने की। और ये देख सकते हो ये पता नहीं क्या है, तो यहाँ पर ना मैंने मेरा सेटिंग किया तो ट्रांसपेरेंसी कुछ ज़्यादा ही कर दी है, तो इसलिए आपको लूट नहीं दिख रहा होगा, तो मैं थोड़ा बढ़ा दूंगा ट्रांसपेरेंसी, मुझे खुद नहीं दिख रही है लूट क्या है, तो ट्रांसपेरेंसी में थोड़ा बढ़ा दूंगा, कुछ ज़्यादा ही कम कर दी है तो जिससे ट्रांसपेरेंट हो गया। और ये देख सकते हो ये रहा कॉग व्हील और ये स्पेयर है, और ये जो चिप है एक ऊपर चिप है और स्प्रिंग भी है इसमें, तो सब कुछ पता नहीं मुझे, कुछ पता नहीं अभी गेम में, तो अभी मैं ज्वाइन हुआ था मुझे खुद ही सदमे में था, देख मतलब समझ रहा था खुद ही, मुझे नहीं समझ में आ रहा तो मैं समझ रहा था, तो धीरे धीरे आपको खुद ही सब पता चल जाएगा। तो भाई जरा जॉम्बी बड़े डेंजर से देख सकते हो, और जॉम्बी का नाम बड़ा अच्छा अच्छा बांसी, तो ये बांसी जो जॉम्बी मैं बता दूँ ये बहुत ही तगड़ा जॉम्बी, इसको मारने इसकी 5 हेल्थ होती है, यानी 5 गुना हेल्थ होती है, यानी 5 बार आपको इसको मारना पड़ेगा, यानी 1 हेल्थ 2 हेल्थ 3 हेल्थ 4 हेल्थ 5 हेल्थ रहती है, तो इससे लूट काफ़ी अच्छा मिलता है। मैंने किल तो नहीं किया लेकिन इससे लूट ड्रॉप होता है क्योंकि मैंने देखा था इसका नेम कहीं जगह था जहाँ पे मतलब आपको फाइंड करना, इससे ये गेम काफ़ी जी आपको नहीं समझ में आता ना, आपको कोई भी चीज़ अगर बनाना है आपको उसकी चीज़ नहीं मिल रही है तो आपको पता चल जाएगा। और ये देख सकते हो घोड़ा आपको जिसे बताया मैंने, घोड़ा आपको जगह जगह पर दौड़ाने को मिल जाएगा यहाँ पर, तो अभी हम लोग का भाई कोई दिक्कत नहीं है, तो जॉम्बी भी मतलब अभी हमें को टाइम लगेगा यहाँ पे। और ये इनका काफ़ी अच्छा गाइस घोड़े को बैठने वाला भी गेस्चर दे रहे हैं, जैसे कि आप लोग आर्क देखोगे उसमें भी बैठने का गेस्चर नहीं आता, सीधा दबाओ खर्च ऊपर चढ़ जाए, लेकिन इसमें बैठने का दिखा रहा है कि कैसे बैठेगा चढ़ के, तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे इस गेम का, अभी काफ़ी अच्छा है। तो अभी हम लोग बेस बनाएंगे, तो ये देख सकते हो ये रहा क्लॉथ, तो बेस जो है मैंने सोचा यहाँ पहाड़ पे बनाऊंगा कुछ अच्छा। और इनका देखो एक बग यहाँ पे मैंने देखा है, मतलब पहले नहीं देखा अभी मुझे, देखो जब आप लोग इस पे बैठने को माउंट दबाओगे तो थोड़ा सा घोड़ा हवा में कूदता है, तो आप लोग ने अगर नोटिस किया होगा तो ये लोकेशन सही। और ये देख सकते हो ये स्टोन, लेकिन इसको तोड़ नहीं सकते, ये वैसा वाला स्टोन है, इसको हटाया नहीं जा सकता, तो ये माइन नहीं है। तो अभी हम लोग को भी देखो जैसे मैं बताया मरने के बाद सब कुछ लूट चला जाता है, पिकैक्स भी नहीं मिला मुझे मरने के बाद यहाँ पे, तो और ये देखते तो यहाँ पे क्राफ्टिंग का थोड़ा मोड़ा आर्क जैसे मिलता है, तो अभी मुक्का मारते हैं वुड पे और जल्दी से हम लोग वुड से क्राफ्ट कर लेंगे पिकैक्स और स्टोन एक्स, पिकैक्स और एक्स, हाँ ये दोनों क्राफ्ट कर लेंगे हम लोग। देखते तो काफ़ी कम लगते हैं, बेड भी क्राफ्ट कर लेंगे, बेड भी लगा देंगे कहीं यहाँ पे। तो अभी पहले बेस भी बनाना है हमको, तो गेम ठीक ठाक है, पता नहीं देखो आगे खेलते खेलते पता चलेगा खुद ही। तो अभी ये गेम प्ले में कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि इतने से गेम प्ले में, तो धीरे धीरे आगे आगे सब मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो का सभी यूट्यूबर को, वैसे मैं बता दूँ सभी यूट्यूबर को, ज़्यादातर यूट्यूबर को मिल गया है इसका टेस्टिंग के लिए, सभी को दिया है गेम वालों ने, खुद ही दिया है क्योंकि ज़्यादा प्रमोशन होगा तो मुझे भी चाहिए था कुछ ना कुछ, वैसे भी बोर हो गया लास्ट आइलैंड ऑफ सर्वाइवल खेल खेल के, मतलब बोर क्या हो गया, इतने हैकर्स है, गेम तो काफ़ी अच्छा है लास्ट आइलैंड ऑफ सर्वाइवल, लेकिन हैकर्स बहुत ज़्यादा और लैग भी होता है, बस सभी बंदों का लैग होता है। और यहाँ पे इस पर एक अलग ही फाउंडेशन है गाइस, ये देख सकते हो राउंडेड फाउंडेशन, ये पता नहीं कैसी है, तो मुझे पता नहीं, मैंने तब भी लगाया इसको एक दो देख सकते हो। और यहाँ पे आपको एक फाउंडेशन लगाती है, आपका कैबिनेट दिखा देगा यहाँ पे, और ये कैबिनेट लगाती है आपको ये मेन एरिया दिखाएगा आपका, तो ये पता नहीं क्या है, मुझे कुछ पता नहीं। देखो एक तरह से ये क्लोजेड है, और इसी में गाइस आप लोग एम्बर डालोगे, इसमें दो चीज़ होते हैं, एक सेफ होता है और एक एम्बर वाला होता है, तो पता नहीं मुझे क्या होता है लेकिन होता है कुछ। तो अभी
यहाँ पे मैंने सोचा कि ये राउंडेड फॉर्मेशन का भी कुछ फाउंडेशन का कुछ यूज़ ही कर ले तो थोड़ा डिज़ाइन बन जाएगा, लेकिन हुआ क्या मैंने मुझे बाद में तोड़ना पड़ा। क्यों तोड़ना पड़ा मैं बताता हूँ आपको। तो देखो ये लगा दिया मैंने, लेकिन यार कुछ प्रोटेक्शन होना चाहिए, और राउंडेड फाउंडेशन के लिए लगाने के लिए यहाँ पे कोई भी राउंडेड वॉल नहीं थी, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लग रहा था, खाली ऐसे डेकोरेशन के लिए था मेरे हिसाब से बाहर। तो फिर मैंने सोचा इसको मूव किया यहाँ पे, पहले ये TC है कि पता नहीं क्या इसका नाम, मुझे नहीं पता कुछ भी होगा, तो इसको मैंने सबसे पहले मूव करके यहाँ पे रखते हैं, बीच में करेंगे बेस। अभी छोटा बना रहे हैं, बाद में बड़ा भी करेंगे गाइस यहाँ पे बेस। और मैं बता दूँ इस गेम भी काफ़ी अच्छा गेम है, और इसमें भी एक तरह का रेट टाइम है। तो यार जैसे मैंने बताया राउंडेड फाउंडेशन मैंने तोड़ दी, क्योंकि इसमें वॉल नहीं लग रही थी, राउंडेड वाली कोई वॉल नहीं थी, तो मैंने सोचा सीधा भगाओ, सीधा चौकोर वाला लगाते, सिंपल सा 2x2 का बेस बनाते, बाद में इसको बड़ा करना होगा तो करेंगे। तो अभी यहाँ पे देखते तो सिंगल डोर भी लगाना पड़ेगा गाइस यहाँ पे, तो अभी सब कुछ कर लेते हैं गाइस हम लोग यहाँ पे। वैसे वाकई में गेम बहुत ही अच्छा है भाई, मैंने खेला हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, ज़्यादा ही खेल लिया हूँ मैं, कुछ ज़्यादा ही 2-3 घंटा खेला है, गेम अच्छा है वैसे। और इसमें भी रैंक की तरह रेट टाइम है गाइस यहाँ पे, तो रैंक की तरह जैसे मैंने बताया एम्बर, तो वैसे रेट टाइम भी है इसमें फिक्स, तो हर टाइम नहीं रेट कर सकते रेट टाइम, वो आपको पता चलेगा खुद ही, गेम में नोटिफिकेशन आता रहता है जब रेट टाइम ऑन होता है ऑफ होता है जैसा होता है मैसेज आएगा आपको, प्रोटेक्शन टाइम बोलते हैं उसको। तो यहाँ पर मैंने लगता है गलती से डोर लगा दिया, तो इसको हटा देते हैं यहाँ पे, यहाँ पर रहेगी वॉल। तो यहाँ पे देखो हर चीज़ बनाते वक्त हथौड़ा मारता है, और ये देखो बार बार ये खुल जा रहा है, पता नहीं क्या है। तो जल्दी से बनाते, भी छोटा बेस है, अभी इसको जब हम लोग पूरा अपग्रेड कर लेंगे आयरन में, तो फिर उसके बाद हम लोग बेस को बड़ा करेंगे, क्योंकि अभी इतना मटेरियल भी चाहिए होगा। इसमें फार्मिंग बहुत अच्छे से ईजिली हो जाती है, ज़्यादा फार्मिंग भी नहीं करना पड़ता, ईजिली है। इतना छोटा बेस आप लोग बहुत ईजिली अपग्रेड कर सकते हो स्टोन और आयरन में, ज़्यादा फार्मिंग मतलब इसमें उतना मेहनत नहीं है फार्मिंग के लिए, मुझे लगता है फार्मिंग के लिए कम है, तो ईजिली अपग्रेड तो ज़्यादा ईजिली रेड भी होएगा बंदे। तो सल्फर भी ज़्यादा इसमें, सल्फर नहीं है, सल्फर का नेम कुछ और है, मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन मैं बताऊँगा आपको, सल्फर का नाम कुछ और ही है। और यहाँ पे इसको हम लोग बीच में मूव कर लेते हैं, यह TC अपना कैबिनेट एक तरह से आप लोग समझ लो। और गाइस इसमें ना अपग्रेड करने के बाद मेंटेनेंस नहीं मांगता है, मैंने देखा है सर, मेंटेनेंस नहीं लगता है इसमें। तो यहाँ पर ना आपको कोड लॉक नहीं लगाना पड़ता, कोई भी कोड लॉक नहीं बनाना। देखो जिससे आपको लिख रहा है ओपन, और ओपन के नीचे सेट कोड लिख रहा है, तो यहाँ से आप लोग कोड सेट कर सकते हो। अगर पहले से कोड सेट है तो आप लोग चेंज कोड कर सकते हो, देख सकते हो, आप लोग देख रहोगे ओपन जहाँ डोर करने का, उसी के नीचे आप लोग देख सकते हो चेंज कोड सेट कोड लिख रहा था। और यहाँ पर देख सकते हो गाइड, अगर आप लोग देखो तो ना धीरे धीरे आपको सब पता चल जाएगा, गाइड से आप लोग पढ़ पढ़ के कर सकते हो, लेकिन भला गाइड ही कौन नहीं पढ़ता है गाइस, हम लोग खुद ही अपने से। और ये देख सकते हो यहाँ पर है मेन टेरिटरी, तो ये पता नहीं क्या है मेन टेरिटरी का, पता नहीं कुछ। और ये देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है हॉर्सेस आर रेंडमली डिस्पेयर थ्रू आउट द मैप, दे आर पॉपुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, अगर आपने उसमें पढ़ा तो देख सकते हो लिखा हुआ है कुछ ऐसा। तो स्लीपिंग बैग का भी है फलाना डिमकाना, हमको तो सब पता ही है भाई, हम लोग खुद ही ज्ञानी बाबा हैं, तुमको बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये रहा गाइस स्टोरेज बॉक्स, और इसमें मैं बताऊँ ये स्मॉल स्टोरेज बॉक्स नहीं दिखता, लेकिन जो लार्ज स्टोरेज चेस्ट बॉक्स है ना वो एकदम हु बहु मतलब एकदम कॉपी आप लोग कह लो, एकदम लास्ट आइलैंड ऑफ सर्वाइवल की तरह है लार्ज स्टोरेज चेस्ट, बिना स्किन वाला जैसे होता है, मैं स्किन वाला नहीं बता रहा भाई अमीर लोग, तो जो बिना स्किन वाला लार्ज स्टोरेज चेस्ट होता है जो नॉर्मल होता है यार आप लोग समझ ही गए होंगे, तो लार्ज स्टोरेज चेस्ट एकदम उसके तरह दिखता है इसका लार्ज स्टोरेज चेस्ट। और यहाँ पे बेड लगा लेते हैं हम लोग बाहर, अब इसको उसको स्टोन का भी करेंगे, थोड़ा इसमें बिल्डिंग करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है लास्ट आइलैंड में ज़्यादा, मतलब हाँ मतलब गेम का आदत पड़ गया उसका, शायद इसीलिए हो रहा होगा, मुझे अजीब लग रहा होगा। तो यहाँ पर अभी ये देख सकते हो बेस पूरा अपना कंप्लीट हो गया गाइस यहाँ पे। तो अभी हमको करना क्या, फार्मिंग करना है, और थोड़ा देखने जाना है क्या क्या मिलता है। और मैंने सेटिंग भी कर ली, देख सकते हो ट्रांसपेरेंसी थोड़ी कुछ कम थी, थोड़ी मैंने बढ़ाई है जिससे आपको अभी थोड़ा साफ साफ दिख रहा होगा क्या क्या आ रहा था। तो अभी लार्ज स्टोरेज चेस्ट भी बना लिया, इसको जल्दी से यहाँ पे रख देते हैं। अरे सॉरी ये स्मॉल चेस्ट है, लार्ज चेस्ट इसका वो भी रेसिपी निकालना पड़ेगा उसको वर्कबेंच से, तो वर्कबेंच भी हम लोग लगा लेंगे, सब कुछ लगा लेंगे गाइस यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे लगा देख सकते हो, हम पे इतना लूट है, 2 फर्नेस भी पड़े, भी फर्नेस भी लगाएंगे। और मैं आपको दिखाऊंगा इसमें सल्फर जो उसका नाम कुछ और है, अलग है। तो यहाँ पे डबल टैप करोगे तो सीधा रख जाएगा लास्ट आइलैंड, अरे आर्क सर्वाइवल खेला है ना, थोड़ा उसी के जैसा है, थोड़ा मोड़ा आर्क सर्वाइवल लास्ट आइलैंड सर्वाइवल ऑक्सीड सर्वाइवल का मिक्सअप है थोड़ा, आप लोग समझ लो। तीनों जो लोगों ने खेला होगा अच्छे से खेल लोगे, तो देख सकते हो तो फर्नेस लगा लेते हैं यहाँ पे। तो गेम काफ़ी बढ़िया है, पता नहीं क्या अनरियल इंजन 5 है कुछ भी पता नहीं, लेकिन वो पहली बार जो अनरियल इंजन 5 पे है कोई मोबाइल गेम बना है, मुझे लगता है सर मोबाइल गेम नहीं बनाता है अनरियल इंजन 5, सर PC गेम बनाता होगा तो बना रहा है। ये देख सकते हो ये है, इसमें जो नीटर बोलते हैं नीटर पाउडर, तो इसमें जो सल्फर है उसका नाम है नीटर पाउडर, और चारकोल नीटर पाउडर और चारकोल को मिला के गन पाउडर बनता है। इसमें भी एक्सप्लोजिव है गाइस, सब कुछ है, C4 भी है, हैंडमेड चार्ज भी है, बस ऑयल बम नहीं है सर, ऑयल बम की जगह एक ग्रेनेड दिया हुआ है, तो शायद उससे रेड होता है वुड का बेस, और ऑयल बम नहीं दिया है इसमें, हैंडमेड है C4, फिर उसके बाद बजूका और उसके सेल से। तो अभी मैंने सोचा थोड़ा फार्मिंग कर लेते हैं आयरन, क्योंकि अपना बेस को भी आयरन चाहिए होगा, तो आयरन फार्मिंग कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमें बनाना है वर्क बेंच बनाना है, और भी बहुत कुछ बनाना है, बहुत काम है आयरन का, तो आयरन फार्म कर लेते हैं। इसमें एक चीज़ अच्छा है, आप थोड़ा देर दबाए और लॉन्ग प्रेस करके रखोगे फार्मिंग करने के बाद, फिर आप छोड़ भी दोगे ना तो अपने आप ये फार्मिंग करता रहता है, फिर बाद में जैसे टूटती है माइन तो ये रुक जाता है, ऐसा कुछ है।
या डबल टैप करो तो रुक जाता है, और देख सकते हो बार बार ये पता नहीं क्या खुल जा रहा है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये देखो स्टोरेज बॉक्स देख रहे हो आप लोग, लार्ज स्टोरेज बॉक्स वाला देखो क्लोज से, एकदम सेम लास्ट एलेंड ऑफ सर्वाइवल की तरह था ना। और यहाँ पे कोड लॉक भी लगा सकते हो आप लोग, देख सकते हो तो सब कुछ ही। देखो ये राजेश मैं बोला था, ये एम्बर है, पता नहीं कहाँ से मिलता है, इसको आप लोग चेस में डालोगे उसी के हिसाब से रैंकिंग दिखाएगी, मतलब चेस में नहीं, मतलब वही जो टी सी है एक तरह से आप लोग कह लो, उसके अंदर आप लोग डालोगे तो उधर ही दिखाएगी। यहाँ पे नर्सेस कैन नॉट भी पता नहीं क्या लिखा था वो, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये रहा देख सकते हो सबके पास, देखो उनके पास 13 एम्बर है, 9 एम्बर 3, और देखो लास्ट में आप लोग देखो अजाकर भैया भी गया है, तो अजाकर भैया के पास एक एम्बर है, तो बहुत लोग जानते होंगे अजाकर को, उसने शायद वीडियो डालना बंद कर दिया, तो लास्ट एलेंड वो भी खेलता था, तो अजाकर भैया का है भाई। और यहाँ पर जल्दी से हम लोग स्टोन भी कर लेते हैं, सबकी ज़रूरत पड़ेगी अभी, तो जल्दी से चलते हैं यहाँ पर। और इसको ये अपना घोड़ा भाई बहुत काम दे रहा है, इसको हर जगह मैं लेके जा रहा हूँ, तो ये देख सकते हो ये है नाइटर पाउडर। तो इसमें ना गाइस कुछ ऐसा स्प्लिट करनी है, लेकिन आप लोग स्प्लिट करके करोगे ना इसमें, मतलब एक ब्लॉक में थोड़ा थोड़ा मतलब डिवाइड करके हर एक चार स्लॉट में डालोगे ना, तो ऐसे जल्दी आपका स्मेल्ट होगा। मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ, जैसे मैंने एक ही स्लॉट में डाल दिया ना, अगर वही आप लोग थोड़ा थोड़ा करके हर एक स्लॉट में डालोगे ना तो जल्दी स्मेल्ट होगा, तो यही मैं आपको दे रहा हूँ। तो देखो अभी आयरन कर देता हूँ, तो थोड़ा सा आयरन हो जाने के बाद ना मुझे वो करना है, बनाना है क्या बोलते हैं वर्कबेंच बनाना है, तो वर्कबेंच से ही रेसिपी निकलेगी। फिर मुझे स्पेयर फार्म, इसमें मेन स्पेयर है, बहुत ज़्यादा स्पेयर आप फार्म करो, स्पेयर अगर फार्म करोगे बहुत चीज़ आपको मिल जाएगा बहुत जल्दी जल्दी। तो अभी मैंने सोचा स्टोन का भी कर लेते थोड़ा सा, कोई रेड ना कर दे भाई, रेड टाइम वैसे अभी ऑफ है मुझे लगता है शायद, तो बाद में होगा रेड टाइम ऑन। तो यहाँ पर भी स्टोन का कर लेंगे गाइस हम लोग जल्दी से, टी सी रूम को भी करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा आयरन हो गया, तो अभी जल्दी से बनाते हैं हम लोग वर्क बेंच। तो वर्क बेंच से देखते हैं क्या पर लगेगा, आयरन लगेगा मेरे हिसाब से, देख सकते हो आयरन वुड लगेगा, तो बन गया वर्क बेंच। और इसमें रिपेयर टेबल भी, तो इसमें आप कोई भी चीज़ रिपेयर नहीं कर सकते, गन अगर मान लो गन है या आपका कोई भी टूल है, हेल्थ कम होगी तो उसको रिपेयर करने के लिए आपको रिपेयर बेंच चाहिए होगा, पता नहीं क्या है वो आपको बनाना पड़ेगा, वर्क बेंच से रिपेयर बेंच बनेगा। तो अभी यहाँ पर लगा लेते जल्दी से, तो यहाँ पर तो लग नहीं रहा है, तो दूसरी जगह लगा लेंगे गाइस, यहाँ पर नहीं लगेगा, थोड़ा ट्राई करके देखेंगे। तो वहाँ पर नहीं लगा गाइस, तो हमने सोचा यहाँ पर लगा लेते हैं, और यहाँ पर ऐसे करके लगाया, मुझे लगा रोटेट हो जाएगा बाद में, लेकिन रोटेट नहीं हो रहा है, और वैसे रोटेट करने के बाद लग नहीं रहा था, तो ऐसे स्पेस कम लेगा, लेकिन अब लगा नहीं है, चलो ऐसे ही लग गया, जाने देते, कोई दिक्कत नहीं है हमको, क्या ही दिक्कत होगी। तो यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे पता नहीं क्या क्या है, यहाँ पे देख सकते हो ये रिपेयर स्टेशन, यहीं से आप लोग रिपेयर कर सकते हो सब चीज़। इसके लिए 20 मशीन गियर और 2 ठो वो देख लो पता नहीं क्या है, देख मुझे लग रहा है शायद वो आयरन प्लेट है, ये देखो ये मशीन गियर है, ये देखो कहाँ कहाँ से मिलेगा आपको, मार्क लगाओगे आपको पता भी चल जाएगा, देखो मार्क दिखा रहा है तो खुद ही बता देगा कहाँ पर आपको मिल जाएगा, ये सब स्टोरेज बॉक्स से मिलता है। और ये वाटर बैग है, पता नहीं क्या क्या चीज़ है फलाना ढिमका, तो हाँ तो ये पाउच है एक तरह से। और यहाँ से आप लोग देख सकते हो लेवल 1 3 लेवल जाता है वर्कबेंच का, और यहाँ से आप लोग देख सकते हो ये वर्क क्रॉसबो अरे सॉरी बो निकल जाएगा, फिर उसके बाद हैचेट मेटल क्या मचेटी, और ये देखो ये रहा छोटा वाला बॉम्ब, और ये सब कुछ है यहाँ पे देख सकते हो, और ये है देख सकते हो पता नहीं क्या है, हाँ एक्सप्लोजिव था गन ऑन सब है देख सकते हो, यहाँ पे है सब कुछ। तो अभी स्पेयर चाहिए होगा हमको सब कुछ लर्न करने के, तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।